हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ जूस जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी होता है। ये पाइनएप्पल का जूस है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें पाइनएप्पल का जूस कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइनएप्पल का जूस बनाना। तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटा हुआ पाइनएप्पल लिया है एक, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऐसे फिश कर लिए हैं मैंने इसके छोटे छोटे। ये मैंने सेंधा नमक लिया है, काला नमक हम बोलते हो, ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये मैंने चीनी लिया है, मैंने 3 चम्मच चीनी के लिए हैं। अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे पाइनएप्पल को पहले। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे ही पीस लेते हैं एक बार। तो मैं आपको एक बार ऐसे ही पीस लेते हैं, फिर उसमें हम डालेंगे बाद में चीनी डालेंगे इसमें। अभी ये देखिए अच्छे से हमने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 3-4 चम्मच चीनी के लिए हैं, आप अपने हिसाब से आप चीनी ले सकते हो। ये मैंने काला नमक डाला है इसमें, ये पानी लिया है मैंने 2 गिलास के करीब। अभी हम इसको फिर से चलाएंगे ढक्कन बंद करके। तो ये देखिए, हम थोड़ा और चला देते हैं इसको और ये 5 मिनट में जूस बनके रेडी होने वाला है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये एकदम फ्री है। कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। तो ये देखिए, जूस बनके रेडी हो चुका है। अभी इसमें ये ऊपर झाग आ रहे हैं, मैं चम्मच से हटा के दिखाती हूँ आपको। अभी हम इसको इसे में छलनी में छान लेते हैं जूस को। ये नीचे मैंने ये बर्तन लिया है, अभी हम इसमें छान लेंगे इसको। थोड़ा चम्मच से हिला देंगे ताकि जल्दी छन जाए। तो ये देखिए, हम ऐसे ही चम्मच से थोड़ा हिला देंगे ताकि ये पूरा जल्दी से हमारा जूस छन जाए। तो हम ऐसे हिला हिला के इसको अच्छे से छान लेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका जूस का। तो ये देखिए, हमारा ये पेस्ट हम अलग से कर देंगे। अभी हम और डालेंगे इसमें, सारा ऐसे ही करके पूरा छान लेंगे जूस को। तो देखा ना आपने, बिल्कुल टाइम नहीं लगा जूस बनाते हुए। ये देखिए कितना अच्छा जूस बनके रेडी हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अभी हम गिलास में डालते हैं। तो ये देखिए, आप घर में एकदम प्योर जूस बना के पी सकते हो, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में जूस बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हमें देखिए गिलास में निकाल के दिखाते हूँ कितना अच्छा जूस बन के रेडी हुआ है। आपके सामने बिल्कुल टाइम नहीं लगा है जूस बनाते हुए, तो आप ऐसे ही ट्राई करना और कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, अभी इसमें हम थोड़ा काली मिर्च डाल देते हैं ऊपर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।